आपके पास धन आगमन तेजी से होगा सप्ताह के मध्य में। शुरुआत दो दिन सप्ताह के आपके ढीले रहेंगे, जैसे जैसे दूसरा पहला और दूसरा दिन बीतेगा फिर आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साप्ताहिक राशिफल सप्ताह के आने वाले 7 दिन कैसे बीतने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। क्या शुभ होगा क्या अशुभ होगा इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम आपको बताएंगे क्या आपके भाग्य में लिखा है, क्या आपको मिलने वाला है, क्या सावधानी रखनी है, ग्रहों की चाल आपकी चाल को कितनी मजबूत करेगी, कहां पर आप उठ सकते हैं, कहां पर आप गिर सकते हैं, इन सभी छोटी छोटी बातों की जानकारी मैं आपको दूंगा। नौकरी का हाल कैसा होगा, व्यापार का हाल कैसा होगा, देश में महामारी का प्रभाव है, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन है, ऐसे में हमें क्या सफलता मिलेगी ये मैं आपको बताऊंगा। महिला हो पुरुष हो उनके जीवन में यह सप्ताह किस प्रकार के प्रभाव को लेकर आएगा इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कब मिलेगी तरक्की, कैसे मिलेगी तरक्की, किन को मिलेगी तरक्की, किस माध्यम से मिलेगी तरक्की, ये सब मैं आपको बताऊंगा। कैसा होगा वैवाहिक जीवन, कैसा होगा प्रेम संबंध, कैसे होंगे आपके बच्चे, क्या इस सप्ताह आपको खुशियां मिलेंगी, घर में मांगलिक कार्य होने की कोई संभावना है, क्या गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं, क्या कोई दुर्घटना के योग बन रहे हैं, क्या पैसों की हानि हो सकती है, क्या लॉटरी निकल सकती है, ये सभी छोटी बड़ी जानकारियां आपको मैं दूंगा। ज्ञान विज्ञान ज्योतिष और मनोरंजन आपके जीवन में कितना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम सब मिलकर जानते हैं अपना राशिफल, और ये राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगा, और 2 जून से 8 जून तक का समय कैसा बीतेगा आप सभी के लिए मैं बताऊंगा आपकी राशि के अनुसार। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। वीडियो के अंत में एक सरल सा उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को करने मात्र से आपको काफी राहत महसूस होगी और आपके दुख काफी कम हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं आपकी राशि का हाल। बात करते हैं कुंभ राशि के जातक जातिकाओं की। सप्ताह के आरंभ में आपके मन में थोड़ा दबाव होगा, थोड़े परेशान होंगे, थोड़ी चिंता होगी, घरेलू सुखों में कमी देखने को मिलेगी, पारिवारिक तनाव देखने को मिलेगा, आपको अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है, जबरदस्ती यात्रा करनी पड़ सकती है, दूसरे का काम करना पड़ सकता है, यात्रा में कष्ट हो सकता है, कामों में गड़बड़ियां हो सकती है, और बेवजह की थकावट और तनाव के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, पैसों की बर्बादी हो सकती है। तो यात्रा सोच समझ कर करें, जरूरी हो तो करें नहीं तो ना करें। अगर आप पर कोई काम जबरदस्ती थोपा जाता है तो आप उसके लिए ना कर दें, अगर आप नहीं कर सकते हैं हाँ मत करिएगा नहीं तो परेशान हो जाएंगे। आपको धैर्य रखना होगा, अपने मन को बनाना पड़ेगा, वक्त थोड़ा सा कठिन है। आपके पास धन आगमन तेजी से होगा सप्ताह के मध्य में। शुरुआत 2 दिन सप्ताह के आपके ढीले रहेंगे, जैसे जैसे दूसरा पहला और दूसरा दिन बीतेगा फिर आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। आपके मन में खुशियां होंगी, आपके पास पैसा आएगा, काम धंधे बनेंगे, रिश्तेदारों से अच्छी बातचीत हो जाएगी। अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपके रिश्तेदार आपके अच्छे मित्र आपकी मदद कर सकते हैं। आप पैसे किसी को उधार मत दीजिएगा, किसी को उधार देंगे तो नुकसान हो जाएगा। आपके पास आपकी मेहनत के रिजल्ट को आने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए धैर्य बना के रखें, भटके नहीं। दूसरी चीज, अपना वाहन, अपनी घड़ी, अपनी मोबाइल या अपनी कार या कोई भी जरूरी चीज, लैपटॉप वगैरह किसी को उधार ना दें, नहीं तो तकलीफ आपको ही होगी, चीजें टूट सकती हैं। आप सामाजिक गतिविधियों में काफी एक्टिव होंगे, लोग आपसे कभी कोई कुछ ले जाएगा, कभी कोई कुछ ले जाएगा, इन सब चक्करों में पड़ के आप अपना सामान खराब कर लेंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, आप मेहनत करिएगा, कई कामों में आप व्यर्थ की मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत को सही जगह पर लगाएंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। पुरानी और बुरी आदतों पर कंट्रोल करना होगा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दम बनाए रखें, हर छोटी मोटी परेशानियों से घबराए नहीं, लोगों की मदद नहीं मांगे, खुद लड़कर समस्याओं का हल करें तो बेहतर होगा। कारोबार अब ठीक चलने लगेगा सप्ताह के मध्य में। नौकरी करने वालों को समस्याएं होंगी, आप थोड़ा बैलेंस रख के चलिएगा काम में, बॉस में, सहकर्मियों में,
ताकि बैलेंस बना रहे, ताकि आपको सबका सपोर्ट मिलता रहे। छोटी छोटी गलतियों से डरना नहीं है, छोटी छोटी गलतियों से भागना नहीं है, गलती हो जाए तो उसको सही करके रिलैक्स होना है, जिससे आपका मन करे आप उससे बात करें, जबरदस्ती किसी से रिश्ता स्थापित करने की कोशिश ना करें। आपका मनोबल थोड़ा कमजोर होगा। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं उनको लाभ मिलेगा। आपको किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू कॉल आ सकती है या आप किसी इंटरव्यू को देने जा सकते हैं जो आपके पक्ष में रहेगा, यानी रिजल्ट आपको मिलेगा अच्छा। वाहन इत्यादि चलाते वक्त बेहद सावधानी रखें, सेहत पर नज़र बनाए रखें। कमर के निचले हिस्से खासकर घुटनों में या पैर की उंगलियों में दर्द हो सकता है। अपने जरूरी काम निपटाएं और किसी के भरोसे ना बैठे रहे कि कोई आएगा तो कोई मदद करेगा। अगर मदद करेगा तो सिर्फ ईश्वर करेगा, तो ईश्वर का नाम जरूर जपिएगा। किसी भी व्यक्ति पर या महिला पर या पुरुष पर आंख बूंद कर विश्वास मत करिएगा। पहले उसको टाल मटोल लीजिएगा कि ये व्यक्ति या ये महिला आपके लिए सही है कि नहीं सही है। जाने अनजाने लोगों पर बिन आंख मूंद कर विश्वास करना आपके लिए खतरे से भरा होगा। हर मौके पर 100% तैयारी करें। जो भी काम आपको मिले उसकी पूरी 100% तैयारी करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। लाजवर्त रत्न आप पहन सकते हैं, हनुमान चालीसा का स्मरण कर सकते हैं, भगवान विष्णु के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे बहुत ही कल्याण होगा आपका। शनि की 7.5 चल रही है और शनि वक्री भी चल रहे हैं, तो कष्टदायी समय है, लेकिन इस कष्टदायी समय में भी आप अपने लिए कुछ अच्छा वक्त निकाल सकते हैं, तो आपको प्रयासरत रहना चाहिए। और जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति खराब है तो आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं आपके उन प्रश्नों का उत्तर जो आपको अभी तक नहीं मिला, और उन प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा जिससे आप परेशान हैं। आपके 10 प्रश्नों का एक उत्तर है, और अगर आपने मेरे बताए गए उत्तर को मान लिया तो आपके जीवन में हजारों सुख अपने आप दौड़ते भागते चले आएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है आपके प्रश्न और क्या है आपके प्रश्नों का उत्तर। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां कब आएंगी, कब आप अपना घर बना पाएंगे, कब आप अपनी गाड़ी खरीद पाएंगे, कब आपकी शादी होगी, कब आपका परिवार सुखी रहेगा, कब प्रमोशन होगी, कब नौकरी लगेगी, आपको व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, क्या भारत में रहकर आपकी तरक्की होगी या किसी दूसरे देश में रहकर तरक्की होगी, क्या जिस जगह पर आपने जन्म लिया है वहीं से आपको सफलता मिलेगी, क्या आपको जन्म स्थान छोड़ना पड़ सकता है, क्या जो काम आप कर रहे हैं उसमें जो कमा रहे हैं वो बहुत कम है, अब वक्त आ गया है कि नया कोई व्यवसाय किया जाए, क्या आप गलत रास्तों पर चलकर अपना धन, अपना वक्त और अपने परिवार की खुशियों को तबाह कर रहे हैं, क्या आपका जीवन साथी आपसे ज्यादा वक्त किसी और के साथ बिता रहा है या बिता रही है, क्या आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या आपके बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन पास नहीं होते, क्या आपके बच्चे आपसे ही बदजुबानी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया वो आज आपको पूछते भी नहीं, जिनके लिए आपने जिंदगी में बहुत समय लगाया, पैसा लगाया, आज वो आपसे दूर हो गए हैं, क्या ऐसे प्रश्न आपके दिमाग को खा रहे हैं, झकझोर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं लेकिन इनका उत्तर नहीं मिल रहा है। इनका उत्तर हम आपको देंगे। आइए हमारे पास अपनी डेट ऑफ बर्थ लेकर, टाइम ऑफ बर्थ लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ लेकर आपकी जन्म कुंडली खोल देगी, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर खुल जाएंगे सारे राज, और आप जान जाएंगे क्या है वास्तविकता आपके जीवन की। तो अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली की डिटेल्स नहीं है तो आप हस्तरेखा से भी अपनी जीवन के बारे में जान सकते हैं, अंक शास्त्र यानी कि अपनी जन्म तारीख से जान सकते हैं। बहुत तरीके हैं जिन तरीकों से हम आपके प्रश्नों का उत्तर सरलता से देकर, सरल उपाय कराकर आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। आपको बस एक काम करना है, दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है, और ये अपॉइंटमेंट आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। तो संपर्क करें दिए गए नंबरों पर। नमस्कार।